आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 12 सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। सभी संज्ञा शब्दों का कोई ना कोई अवश्य नाम होता है जिससे उन्हें जाना या पहचाना जाता है, परंतु बार बार नाम की आवृत्ति से भाषा अनर्शक भाषा हो जाती है। आओ उदाहरण द्वारा समझें। सोनाली अपनी बेटी नमिता के साथ बाजार गई। सोनाली ने नमिता से पूछा कि सोनाली नमिता के लिए क्या खरीदे। सोनाली और नमिता ने सोनाली और नमिता के लिए कपड़े खरीदे। कपड़े खरीद कर सोनाली और नमिता घर लौट आई। आपने पढ़ा कि बार बार नाम की आवृत्ति ने भाषा के सौंदर्य को नष्ट करके अनाकर्षक बना दिया है। मतलब कि अब किसी का नाम हम बार बार अगर रिपीट करके बार बार उसी सेंटेंस में यूज़ करते रहेंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगा। ओके, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, डिसअट्रैक्ट हो जाएगा। सोनाली अपनी बेटी नमिता के साथ बाजार गई। उसने उससे पूछा कि वह उसके लिए क्या खरीदे। उन्होंने अपने कपड़े खरीदे। कपड़े खरीद कर वह घर लौट आई। तो उपयुक्त अनुच्छेद में नामों की आवृत्ति ना होने के कारण उसने उससे वह उसके उन्होंने अपने वह आदि शब्दों का कारण का सौंदर्य बढ़ा दिया है। ओके, तो भाषा की पुनरुक्ति दोष से मुक्त स्पष्ट तथा सारा गर्भित बन गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने का कारण ये सर्वनाम कहलाते हैं क्योंकि यह सबके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अतः कहा जा सकता है सिंपल वर्ड्स में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जिन्हें हम संज्ञा की जगह यूज़ करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं स्टूडेंट्स? 6, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक संज्ञा। पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक संज्ञा। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक। बोलने वाला या लिखने वाला सुनने अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हमारा, हम, हमें, हमको आदि। उदाहरण, मैंने खाना नहीं खाया, मैं टहलने जा रहा हूँ। मध्यम पुरुषवाचक, बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुमको, तुम्हारा, आप, आपको आदि। उदाहरण, तुम कब आओगे। अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में बात हो रही होती है स्टूडेंट्स, उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, 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 वे, उसको, उसने, उसका, उन्होंने, उन्हें आदि। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। निश्चय सर्वनामवाचक, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु या निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, यह, वह, वे, ऐसे, इनमें आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता, मतलब पक्का कंफर्म नहीं होता स्टूडेंट्स कि वही है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड्स होते हैं हमारे, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। कोई दरवाजे के पास खड़ा है, मतलब कोई खड़ा है, आपको ये तो नहीं पता नहीं कि एग्जैक्टली खड़ा कौन है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने, क्या, कहाँ आदि। तुम क्या बना रहे हो, बाहर कौन खड़ा है। ओके, संबंधवाचक सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बोध में
दो उपवाक्य के बोध में बीज संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, जिसकी, उसकी, जैसे तैसा आदि। ओके, जो तेज दौड़ेगा वह जीतेगा। नीजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग सैन्य के अर्थ में किया जाता है उसे नीजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे सैन्य, खुद, अपने आप आदि। जैसे उदाहरण दे रखा है, मैं अपने कपड़े सैन्य प्रेस करता हूँ। सर्वनाम की रचना, रूप की रचना, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मैंने, तुझे, तुम, मुझको आदि, तू, तूने, तुझको, तुझसे आदि, तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको आदि, हम, हमने, हमें, हमको आदि, आप, आपने, आपको आदि। ओके, आगे आपको जैसे दे रखा है स्टूडेंट्स, वह, उसने, उसे आदि, वह, उन्हें, उन्हें, उन्होंने, उनको आदि। निश्चयवाचक में दे रखा है इसी तरीके से आपको, और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, इन्हें आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।